अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का लेक्चर नंबर 1 डिलीवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बोर्ड के लिहाज से, स्कूलों अकेडमी के लिहाज से चैप्टर 1 में ज़्यादातर डेफिनेशंस हैं और ये डेफिनेशन पेपर में आती होती है, लाजमी हर पेपर का हिस्सा होती है। और चैप्टर वन के एंड पे जो डेफिनेशन लिखी है ना, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी हैं, बच्चों को आसानी से याद भी हो जाती हैं। चैप्टर के बीच में भी कुछ डेफिनेशन लिखी हुई हैं, लेकिन वो बच्चों को उन्होंने समझाने की कोशिश की हुई है, इतने प्रॉपर वर्ड नहीं यूज़ किए हुए, तो इसलिए चैप्टर वन के एंड पे जो समरी लिखी है ना, वहाँ पे हर चैप्टर की डेफिनेशन बहुत आसान इसी को समझ लिखी हुई, तो वो याद करने में भी बच्चों के लिए आसान है। उनमें सबसे पहली डेफिनेशन तो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को उर्दू में कॉलम कहते हैं और इस मैट्रिक्स में कुछ नंबर लिखे होते हैं, रोज में और कॉलम्स में, कतारों में और कॉलमों में, और स्क्वायर ब्रैकेट से वो रेमेंट नंबर की बन होती है। डेफिनेशन अपने बुक के मुताबिक, बुक से याद करनी है, बता देता हूँ। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन रोज एंड कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स एंड इनक्लोज बाई ए पेयर ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसके लिए नंबर रोज में और कॉलम में लिखने होने चाहिए, बेतरतीब नहीं होने चाहिए। दूसरी डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स लिखी है उसके अंदर कितने नंबर लिखे हुए हैं और कैसे लिखे हुए हैं, उसका एक फार्मूला मैंने व्हाइटबोर्ड सामने लिख दिया है। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, या बीच में बाई का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, डैश लगाकर बाई लगा देते हैं, फिर भी ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। और उसके बाद तीसरी डेफिनेशन स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, जितनी रो होती है उतने कॉलम होते हैं। रो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर, ये रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। वर्टिकल नंबर जो लिखे होते हैं ऊपर नीचे, वो कॉलम कहलाते हैं, और ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं उसको स्केयर मैट्रिक्स कहते हैं, ये स्केयर की शक्ल नहीं होती है। उसके बाद रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज ज्यादा होती हैं, कॉलम कम होते हैं, या कॉलम ज्यादा होते हैं या रोज कम होती हैं। द नंबर ऑफ द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल सामने लिखी हुई है, 1, 2, 3 फर्स्ट रो, 4, 5, 6 सेकेंड रो, दो रोज हैं और 3 कॉलम्स भी लिखे हुए हैं। इक्वल मैट्रिक्स में ऐसी दो मैट्रिक्स होती हैं जिनके ऑर्डर भी सेम होता है, ऑर्डर का मतलब है उनके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं और उनके जो अंदर लिखे हुए नंबर थे वो भी सेम होते हैं। इस तरह ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट नंबर लिखे हुए हैं। ऐसी दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर भी सेम होता है और उनके अंदर जो लिखे हुए नंबर जाना वो भी सेम होते हैं, मतलब पहला नंबर पहले के इक्वल आ जाए, दूसरा नंबर दूसरे के इक्वल, हर नंबर दूसरे कोरस्पोंडिंग नंबर के इक्वल आ जाए। तो तीसरी छठी डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक मेथड है, रूल है, जिसमें मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाता है या कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाता है, उसको ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। बाय डेफिनेशन इन वी चेंज द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसी का ट्रांसपोज लेंगे ना, 4, 5, 6 ट्रांसपोज को ना ऊपर टी से शो किया जाता है, टी मीन ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन ट्रांसफर, ट्रांसफर करने लगे, ट्रांसफर मीन जो फर्स्ट रो है ना उसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, ये इसका ट्रांसपोज बन गया। तो इसके बाद चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 इसके क्वेश्चन नंबर 1 को स्टडी करने लगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें ना उन्होंने 7-8 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनका हमने ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने का रूल मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। पहले में लिखा हुआ है 2, 3, -5 और 6 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, ए उन्होंने दिया हुआ है 2, 3, -5 और 6 इसका निकालना ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट सब में ऑर्डर पूछा हुआ है, ऑर्डर के लिए हम देखेंगे इसमें कितनी रोज है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो,
नंबर ऑफ रोज टू है और इसमें कारण भी दो है। नंबर ऑफ कॉलम्स भी टू है तो इसका ऑर्डर बन जाएगा टू बाई टू, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई टू फिर डैश बाय टू, ये इसका ऑर्डर बन गया। इसका इसको ना इस तरह भी हम लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई टू, लेकिन इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करके फोर नहीं बनाना। वो आपको बहुत दिल करेगा इसको हम फोर बना दें, लेकिन दिल की बात नहीं माननी, दिमाग से सोचना हम नंबर ले लें। अक्सर औकात दिल से गलत बातें भी हो जाती होती, टू मल्टीप्लाई टू फोर नहीं बनाना, टू का टू रहने देंगे। बाकी क्वेश्चन में भी इसी तरह ऑर्डर पूछा हुआ है, उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को लेकर हम ऑर्डर बना देंगे। एमसीक्यू ये आमतौर पर क्वेश्चन नंबर वन और टू सिर्फ एमसीक्यू के लिए है। क्वेश्चन नंबर टू में पूछा हुआ है कि कौन सी मैट्रिसेस इक्वल है, तो इनकी इक्वल मैट्रिसेस के लिए इन मैट्रिक्स को हम गौर से देखेंगे, जिनके नंबर एक जैसे अंदर लिखे हुए हैं वो इक्वल है, और जो इक्वल नहीं है उनको हम लिख देंगे दीज मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, मतलब ए और सी दोनों इक्वल। ए में सिर्फ थ्री लिखा हुआ है और सी में फाइव माइनस टू थ्री लिखा, फाइव माइनस टू थ्री हो जाएगा, ए और सी इक्वल, बाकी को भी हम देख लेंगे। ये सॉल्व करने वाला नहीं, जस्ट आपने इनको नजरों से सॉल्व करना है, एक दफा देखना तो पता चल जाएगा ये कौन सी इक्वल है। क्वेश्चन नंबर थ्री लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, जहां पे दो मैट्रिक्स उन्होंने दिए हुए, उन दोनों मैट्रिक्स में इक्वल का जान इक्वल लगाकर इनको कंपेयर करेंगे। ये अक्सर बोर्ड में टेस्ट में भी शार्प क्वेश्चन में भी आता होता है, ए प्लस सी सी माइनस वन, ए प्लस टू बी फोर डी माइनस सिक्स इक्वल है जीरो थ्री माइनस सेवन टू डी, क्योंकि दरम्यान इक्वल का निशान, तो जहां से हमने ना ए बी और सी डी की वैल्यू मालूम करनी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में शामिल है, लेकिन आगे वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ए प्लस सी इक्वल टू जीरो आ गया, इनके नाम रख देंगे, क्वेश्चन नंबर टू आ गया। थ्री हो गया फोर डी, अब इसका वन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर थ्री है, ये इंपॉर्टेंट है, और यहां से हमने ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए हुए, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो जाहिर ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करने के लिए इनके एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। कंपेयर द एलिमेंट, पहले नंबर को पहले के इक्वल कर देंगे, इस वाले को इस थ्री के इक्वल कर देंगे, इस नंबर को इसके इक्वल कर देंगे। अभी हमारे पास ना सर चार इक्वेशन बन गई है, एक्चुअली हमने ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करनी, तो पहले हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन यहाँ से वैल्यू आसानी से निकल आती है। ए क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे, यहाँ से सी की वैल्यू आसानी से निकलेगी, इधर से सी की वैल्यू निकाल कर ऊपर वाले में पुट कर देंगे, ए की निकलेगी, फिर वो इधर वाले में पुट कर देंगे, बी और डी की वैल्यू निकलेगी। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू सी माइनस वन थ्री, माइनस वन हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, सी की वैल्यू निकलेगी। अब ये जो सी की वैल्यू निकाल ली है ना, वो हम इक्वेशन नंबर वन में लगा देंगे, इक्वेशन नंबर वन है ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, सी की वैल्यू फोर है, सी की वैल्यू फोर यहां पे लगा देंगे, ए की वैल्यू निकलेगी। अब हमने बी और डी की वैल्यू मालूम करनी, तो ए की जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं वो हम इक्वेशन नंबर थ्री में लगा देंगे, एक जगह पर यहां से बी की वैल्यू निकलेगी। ये है ए प्लस टू बी इक्वल टू माइनस सेवन, ए की वैल्यू माइनस फोर लगा देंगे, माइनस फोर उधर आ गए प्लस, माइनस सेवन प्लस फोर माइनस ही आ गए, और टू नीचे आ गई डिवाइड, बी की वैल्यू निकलेगी। अब हम डी की वैल्यू मालूम करने लगे, और डी की वैल्यू के लिए क्वेश्चन नंबर फोर को इस्तेमाल करेंगे,
यहाँ से डी की वैल्यू निकलेगी, डी वर्ग अपने एक साइड पर ले आएंगे, इक्वेशन नंबर 4 डी इधर आ जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, क्योंकि हमने डी की वैल्यू मालूम करने की है, डी इधर आ गया, माइनस 6 बच गया, कि प्लस 6 हो गया, ये 4 डी में से 2 डी निकाल दिए, 2 डी 6 रह गया, और 2 नहीं जाके डिवाइड डी की वैल्यू निकली, यही हमारा आंसर, हमने सी की वैल्यू भी निकाल ली है, ए की वैल्यू भी निकाल ली है, बी की भी निकलाई है और डी की भी निकलेगी, ये सारी वैल्यू निकालने के लिए यही हमारा आंसर निकला है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 करने लगे। अब हम चैप्टर नंबर 1 की 1.2 को सॉल्व करने लगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने मैट्रिक्स दी हुई और ये पूछा हुआ है कि इनमें आइडेंटिफाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है, रो मैट्रिक्स कौन सी है और कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है। तो रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ एक रो लिखी होती है, कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एक कॉलम लिखा होता है, तो नल मैट्रिक्स जिसमें सारे नंबर 0-0 लिखे होते हैं। सिर्फ ये सॉल्व नहीं करना, बताना है हमने कि इसमें नल मैट्रिक्स कौन सी है। पहले इसमें लिखा हुआ है ए 0-0, सिर्फ हमने ये बताना कि कौन सी, सारे नंबर 0-0 लिखे हुए तो इट इज ए नल मैट्रिक्स। तो इसी तरह बी में एक रो लिखी हुई वो रो मैट्रिक्स है और सी में एक कॉलम लिखा वो एक कॉलम मैट्रिक्स है। जस्ट हमने ये बताना है कि रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, इसमें एक ही कॉलम है। ये कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ हमने यहाँ पे मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है कौन सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने पूछा हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है, उनकी भी डेफिनेशन आपको मैंने पहले लेक्चर नंबर 1 में बता दिया हुआ पहले ही कि जिनमें रोज और कॉलम एक जैसी वो एक वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, रो और कॉलम एक जैसी नहीं है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है कि कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स, कौन सी स्केलर मैट्रिक्स और कौन सी यूनिट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स, इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए ना डेफिनेशन का पता होना जरूरी है, इसके बगैर आप क्वेश्चन का नहीं समझेंगे कि इसको हमने क्या करना है। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी नंबर 0 लिखे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्केयर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ये ऐसी स्केयर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी नंबर 0 होते हैं। इसमें 3 और 7 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स और ये वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट होने का जरूरी है तो फिर ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल आ जाए तो फिर ये होती है स्केलर मैट्रिक्स, मतलब ये 3 है तो वो भी 3 आ जाए, ये दोनों 7-7 आ जाए, दोनों 9-9 आ जाए, तो ये होती है डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट का सेम होना जरूरी है, नॉन डायगोनल 0 आ जाए और डायगोनल एलिमेंट सेम आ जाए। उसके बाद आगे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए अगर डायगोनल एलिमेंट 1-1 आ जाए तो वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके दूसरे लफ्जों में यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स 1-0-0-1 दी डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की मैट्रिक्स दी हुई है, ये बताना है कि कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कौन सी स्केलर मैट्रिक्स, कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे उन्होंने मैट्रिक्स दिए हुए उनका नेगेटिव बताएंगे। तो नेगेटिव मैट्रिक्स के लिए उनके एलिमेंट को चेंज कर देंगे,
क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस मैट्रिक्स उन्होंने हमें दी हुई है ए 1 0 -1 तो नेगेटिव के लिए साइन चेंज कर देंगे बाहर भी नेगेटिव लगा देंगे और मैट्रिक्स के अंदर वाले एलिमेंट की भी साइन चेंज कर देंगे जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे जो प्लस है वो माइनस कर देंगे जीरो के साथ माइनस ही लगा जाता है ये नेगेटिव मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट उनके भी हम अंदर वाले को साइन चेंज कर देंगे माइनस वालों के प्लस कर देंगे प्लस वालों के माइनस कर देंगे तो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें पूछा हुआ है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बता दिया हुआ है उनकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे जो रो होगी उनको कॉलम बना देंगे जो कॉलम उसको रो बना देंगे तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है शार्प क्वेश्चन के तौर पर इसमें दो पार्ट है इसके ए और बी पहले ए दिया उन्होंने 1 2 0 1 इसका दो दफा ट्रांसपोज लेकर एक एक प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ए दिया उन्होंने 1 2 0 1 प्रूव हमने ये करना कि ए ट्रांसपोज लेकर दोबारा फिर एक ट्रांसपोज लेंगे तो ए इक्वल आ जाएगा तो ट्रांसपोज का सबसे बेस्ट मेथड ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में कि जो ये डायगोनल मैट्रिक्स 1 1 नॉन डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज कर देंगे बाय डेफिनेशन ये होता है कि रो को कॉलम चेंज बना दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो ट्रांसपोज बनता होता है टी का मतलब है ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज के लिए ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना ये जो मैंने नंबर है निशान लगा दिया उनकी जगह चेंज कर देंगे एक दफा ट्रांसपोज हो गया अब इसी का हम दोबारा लेंगे ट्रांसपोज जब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो इन दोनों की दोबारा फिर जगह चेंज कर देंगे बाहर टी का आंसर दोबारा फिर टी का देंगे टी में दोबारा भी नॉन डायगोनल की जगह चेंज कर देंगे 1 2 0 1 और ये दोबारा फिर एक एक खुला जाएगा नीचे लिख देंगे प्रूफ को कमेंट्स आगे दे रहे हैं प्रूफ